नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीजे लक्ष्य क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे ESIC की जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी थी उसके बारे में। जी हाँ, ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, ESIC.NIC.IN पर मैं अभी जो है आ चुका हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर आपको जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ पर क्लिक करके रिक्रूटमेंट का पोर्टल जो है वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और नीचे चले जाना है आपको। यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट्स आ चुके हैं, सबसे पहली जो है उस पर आप क्लिक करेंगे। मैंने आपको इस वैकेंसी के बारे में पहले भी बताया, वीडियो हमने बना रखा है, लेकिन फिर भी आपको जो है अवगत करवाना ज़रूरी है, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिस, इट हैज़ बीन कम टू नोटिस ऑफ द ऑफिस दैट ए फेक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इज़ बीइंग सर्कुलेटेड ऑन द सर्टेन व्हाट्सएप ग्रुप एंड प्रोबेबली ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है, बहुत सारे लोग जो इस पर वीडियो बना रहे थे, हमने भी वीडियो बनाकर आपको बताया था कि ये फेक न्यूज़ है, और उससे रिगार्डिंग जो है ESIC ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है एक नोटिस डाल दिया है। जनरल पब्लिक इज़ हेयर बाई कॉशन्ड टू बी केयरफुल अगेंस्ट सच फेक नोटिफिकेशन एंड केयर एडवाइज टू फॉलो ओनली ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ESIC। ठीक है, तो आपको जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही भरोसा करना है, ना कि जो फेक न्यूज़ कुछ लोग देते हैं उन पर भरोसा नहीं करना होगा। तो दोस्तों, ये जो अभी ESIC की एक सर्कुलेट हो रहा है 137 पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर का जो है, उसको जो है आपको नेगलेक्ट करना होगा और जो है किसी भी प्रकार से कोई फॉर्म नहीं भरना होगा, आपको पैसे जो है आपके जा सकते हैं। तो दोस्तों, केयरफुल रहिए, हमारे चैनल पर आप विश्वास कर सकते हैं या फिर जो है ऑफिशियल वेबसाइट उस पर विश्वास करिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा ESIC रिलेटेड, सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से पता चलेगा। जैसे ही हमने ये नोटिफिकेशन देखा, तो आप सब तक जो है ये जानकारी पहुँचाना जो है उचित समझा। ऐसे ही पूरे भारत की नर्सिंग से जुड़ी हर अपडेट हम आपके लिए पहुँचाते रहेंगे और पहुँचाते आ रहे हैं। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक अपने दोस्तों का शेयर करें ताकि वो भी जागरूक हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच।